आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी के बीच अब सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, और फैसला भी ये है कि आने वाले 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये फैसला सरकार की तरफ से क्यों लिया गया, कैसे लिया गया और किस तरीके से लिया गया और किस लिए लिया गया, इसके लिए अब विपक्ष ने कई सारे मुद्दे जो हैं वो खड़े किए हैं। लेकिन अगर इस फैसले पर चर्चा करी जाए तो ये फैसला अपने में बहुत अहम है। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि आने वाले 18 महीने में मिशन मोड के जरिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में 40,000 सरकारी भर्तियां सिर्फ पुलिस विभाग में ही की जाएंगी, अन्य विभागों की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये फैसला लिया कब किया? दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबे अरसे के बाद अपने विभागों की समीक्षा बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई थी ये जानने के लिए कि आखिर किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, और रिक्तियों को जानने के बाद ये फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया कि आने वाले 18 महीनों में आप लोग जल्द से जल्द 10 लाख युवाओं को देश में रोजगार दीजिए। ये रोजगार संघ लोक सेवा आयोग, SSC और रेलवे के जरिए युवाओं को दिए जाएंगे, और अगर इसका एक अप्रॉक्स अनुमान लगाया जाए तो जिस तरह से 18 महीने में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उस हिसाब से एक दिन में करीब 1850 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हालांकि ये एक अनुमान है, क्योंकि नौकरियां एक बार में एक मुश्त में निकलती हैं और उसकी भर्तियां एक साथ होती हैं, लेकिन अनुमान अगर देखा जाए रोज के अनुसार तो एक दिन में करीब 1850 लोगों को रोजगार देने की बात, वो भी सरकारी नौकरी देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। इसके अलावा कुछ जो आंकड़े हैं वो भी मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, और इस आंकड़े के अनुसार आप ये अनुमान लगाइए कि बीते सालों में सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर कितनी सजगता बरती गई, कितने अहम फैसले लिए गए, कितने लोगों को रोजगार दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से 2014 से 2020 तक यानी 6 साल में करीब 5.5 लाख लोगों को भर्ती किया गया है, और 2014 से 2020 में करीब 29,000 लोगों को सिर्फ UPSC और सीधी भर्ती के आधार पर नौकरी दी गई है। इसके अलावा SSC के जरिए पिछले 6 साल में करीब 2.28 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, और रेलवे में 6 साल में करीब 3 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा एक और अहम चीज यह है कि करीब 6300 लोग ऐसे हैं जिनको राजपत्रित रिक्तियों के अनुसार भर्ती किया गया है, और 6 अप्रैल को संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि 2017 से 2022 यानी 5 सालों में 2 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। जो बेरोजगारी दर है वो भी काफी नीचे आया है, जो कि बताया जा रहा था कि मार्च में करीब 4.5% था, लेकिन अप्रैल में आते आते वो 2.9% तक कम हो गया। 2.9% वो बेरोजगारी दर देश में बची, उत्तर प्रदेश में बची, और जो केंद्र की भर्तियां निकलती हैं उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा भी अपनी किस्मत आजमाता है, और नौकरी भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि SSC और UPSC में करीब 1,85,734 और 27,764 पदों के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किए गए थे बीते सालों में, जिसमें करीब 1,74,744 और 24,836 लोगों को भर्ती किया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से आज एक और अहम फैसला लिया गया है, सेना की मजबूती के लिए ये कहा गया है कि 4 सालों के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इसको अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम के जरिए इसका नाम दिया गया है, और इसी के जरिए इन अग्निवीरों को जोड़ करके इनको नौकरी दी जाएगी, 4 साल इनकी सेवाएं ली जाएंगी, सेना में ये काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, और जब ये रिटायर या फिर जब 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो उसके बाद जो भी चीज़ें, जो भी सहूलियतें सरकारी कर्मचारी को मिलती थी रिटायर होने के बाद सेना से, वो इन्हें भी दी जाएंगी।
तो एकाएक सरकार का अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो। प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा कि किस तरह से ODOP जैसी योजनाएं, किस तरह से जो अन्य योजनाएं हैं जिसमें कौशल विकास योजना है, कई सारी योजनाओं के जरिए देश प्रदेश के युवाओं को नौकरी, काम, बेरोजगारी से दूर करने की कोशिश और रोजगार देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन सवाल इन सबके बीच में यही खड़ा हो रहा था कि आखिर जो सरकारी तैयारी कर रहा है, सरकारी भर्तियों के लिए तैयारी युवा कर रहा है, उसके सामने कोई भी रास्ता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लंबे लंबे समय से इलाहाबाद जैसी जगहों में, लखनऊ जैसी जगहों में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में युवाओं ने तैयारी की है, लेकिन उनको भर्तियों से या तो वो भर्तियां क्लियर सही से नहीं हो पाई या फिर भर्तियां समय से नहीं आई और वो भर्ती सरकारी भर्तियों में नौकरी नहीं पा पाए। लेकिन अब सरकार ने उसके लिए रास्ता खोल दिया है। इसके बीच में जो विपक्षी दल हैं वो अब सरकार के मैनिफेस्टो और सरकार के पुराने कार्यकाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्षियों की तरफ से अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इनका बयान आया है कि सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उस मैनिफेस्टो के अनुसार उनको कितने लोगों को रोजगार देना था, सरकारी नौकरियां देनी थी सरकार पहले ये बताए, और कितने लोगों को, कितने युवाओं को उन्होंने नौकरियां दी हैं वो ये भी बताए। अब जो ये नया जो ये जुमला लेकर के आए हैं, ये जुमला सिर्फ 2024 के चुनाव को देखते हुए जारी किया गया है और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजी किया गया है। लेकिन हमें और आपको और देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। अगर सरकार की तरफ से इस कदम को उठाया जा रहा है तो ये अपने में सराहनीय है, लेकिन जब तक ये कदम सही तरीके से पूरा ना हो जाए, ये जमीन पर क्रियान्वित ना हो जाए, युवाओं को नौकरी ना मिल जाए, तब तक हम और आप आस लगा कर रखी बैठे रह जाएंगे। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है ये कितना अहम है और विपक्षियों को इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्या जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सही है या नहीं। तो जो सरकार सरकारी कंपनियां बेच रही हो, LIC बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिकने जा रही है या नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनसे कैसे आप भरोसा कर लोगे कि नौकरी दे देंगे। जो कभी समाजवादी सरकार में नौकरियां निकली थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो सोचिए 5 साल जो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे हो, नौकरियां नहीं पूरी कर पा रहे, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि लाखों नौकरियां दे देंगे लोग। आप तो पहले साल हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ, जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से जायद वैकेंसीज है, उसको फिल करिए आप, पूरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके ऊपर बात ही नहीं होती और ऐलान कर दिए, क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, फिर 24 में चुनाव है, तो अब कह रहे हैं 5-5 लाख देंगे। सबसे पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट द्वारा लिया गया है और ये फैसला जो है ये भारत का भविष्य और उज्जवल करेगा, हमारी सेना को और मजबूत बनाएगा, और जो हमारे देश के युवा हैं उनको ये अवसर प्रदान करेगा कि वो देश की सेवा कर सकें। फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। अनिल शुक्ला वारसी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BJP के सीनियर लीडर हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ तारिक खान समाजवादी पार्टी से हैं, इसके अलावा हमारे साथ प्रदीप तिवारी कांग्रेस से हैं, रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ RLD से हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, और दिनेश शर्मा साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिनेश जी आप ही के पास आना चाहूँगा। बहुत अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि ये जो फैसला है ये 2024 के चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है, लेकिन ये फैसला अपने में अहम है क्योंकि बेरोजगार युवाओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। अगर उन्हें रोजगार मिलता है, वो भी सरकारी नौकरी मिलती है, तो ये फैसला अपने में बहुत अहम है और इसकी सराहना करी जानी चाहिए। जी, इसे लेकर और आज तक जी जितने भी राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे जनता पार्टी की हो,
या और भी सरकारें आई हूँ, अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर या प्रांतीय सेवाओं को छोड़कर जरा कोई ऐसा डाटा हमारे आपके पास हो तो बताएं सरकारें कि उन्होंने जो राज्यों की सेवाएं थी, जो जो लिपिकीय वर्ग था आपका, जो समीक्षा वर्ग था आपका, उस पर कितना ध्यान दिया जी। और वो कौन लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए कि जिन्होंने इन सर्विसेज में बेरोजगार युवाओं की भर्ती की उपेक्षा की, कोई बताएगा। अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा, अभी संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया है जिसमें बड़े गर्व के साथ पूरा देश जो है महिमा मंडित हो रहा है कि हमारे इतने लोग टॉपर हुए हैं जी। ये टॉप टॉप क्रीम चुनकर आई है केंद्र के जो है कार्मिक राज्य मंत्री जो है जितेंद्र प्रसाद जो जो क्या वो जो है कार्मिक राज्य मंत्री पीएमओ में है, उन्होंने भी बड़ा भारी जश्न मनाया है समझे। मुझे बताइए ये जो अखिल भारतीय सेवाओं से चुनकर आए हुए लोग हैं, आखिर जिम्मेदारी तो इन्हीं की है कि जो निचले स्तर के युवा हैं, जो जो ग्रेजुएशन करके दर दर भटक के फिर रहे हैं, आपने अपनी नौकरी का, अपने प्रमोशन का, अपनी पदस्थापनाओं का तो बहुत चिंता की है जी। आप अपने वेतन क्रम वेतन मान के लिए तो बहुत चिंतित है, हर साल समय बद्ध वेतन मान आपके लगते हैं, लेकिन जो आपका वर्किंग जो समाज है, जो जो आपकी फाइलों को आगे बढ़ाता है, जो आपकी योजनाओं को ग्राउंड पर जो है इम्प्लीमेंट करता है, उसके लिए आपने क्या किया वो तो आपके पास सही नहीं। उसकी तो भर्ती आपने किसी भी सरकार ने नहीं की, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, क्यों नहीं की, कौन जिम्मेदार इसके लिए। जो आज इस बात को कहा जा रहा हो कि हम इतने लोगों को भर्ती कर रहे हैं और आज फिर बड़े दावे के साथ ये बात कही जा रही है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं जी। मुझे बताइएगा कि क्या इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार है, क्या इसके लिए वो नौकरशाह जिम्मेदार नहीं है के जिनके नियंत्रण में ये भर्तियां होनी थी जी। उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने भर्तियों को केवल कोर्ट में चुनौती देने के अलावा दूसरा काम किया है जी। बताइए जी। जवाब मांगा जाना चाहिए चीफ सेक्रेटरी से उत्तर प्रदेश के जी। जवाब मांगा जाना चाहिए डीजीपी उत्तर प्रदेश से जी। जवाब मांगा जाना चाहिए और दूसरे राज्यों के कार्मिक विभाग के लोगों से कि आपने युवाओं की भर्ती के लिए क्या किया, बिल्कुल कोई ऐसा प्लान आपके सामने आया। केवल राजनीतिक दल पहल करेंगे तभी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए ये बड़ा विषय है, इस विषय पर बैठकर बहस होनी चाहिए जिससे सारे राजनीतिक दल सरकारें कतराती हैं। आज युवा भटकता फिर रहा है जी। और 10 लाख लोगों की इन्होंने भर्ती की घोषणा की है, बहुत अच्छी बात है। आपने एक प्लान भी प्रस्तुत किया है सेना में भर्ती का, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो प्लान सफल होगा या विफल होगा, क्योंकि 4 साल तक एक आदमी नौकरी के आगे मेरा क्या होगा, केवल 20% लोगों को वो अपने यहां रखेंगे, बाकी 80% लोगों को ऑप्शंस देंगे जी। तो ये जो सारे के सारे इस प्रकार के प्लान बना रहे हैं वो लोग कौन है, उनकी गर्दन पकड़ी जानी चाहिए। सही बात है सर, राज्य के मुख्य सचिव को अपनी चिंता है, राज्य के इस मुख्य सचिव से मैं जानना चाहूंगा, चाहे कोई भी पद पर हो, बताइए उन्होंने अब तक कितने कितने लाख कितने हजार कितने सैकड़ों लोगों को रोजगार के रास्ते खोले हैं, बताइए जरा। ठीक है ठीक है, आप बैठते हैं और क्या नाम सरकार को मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं जी। उनके सामने झूठे प्लान पेश करते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर उन्होंने क्या किया, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बताएं कि उन्होंने क्या किया। जो जिम्मेदार है एक मंत्री को एक सचिव सलाह देता है जी। बताता है कि सर यह प्लान है और वो नीतिगत फैसला होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो इन सचिवों का होता है जी। उन्होंने क्या काम किया है, कोई भर्ती आ रही है उठाया कोर्ट में चुनौती, पता नहीं कितने कितने ऐसे प्रस्ताव आए हैं नौकरियों के लिए जो कोर्ट के अंदर इस समय चुनौती में है जी। क्या उनको और बिल्कुल उनको, और अब तो ये ट्रेंड भी हो गया है सर कि कोई भी भर्ती आती है तो पहले आवेदन होता है और उसके बाद कोर्ट में जाकर के उसकी रीट हो जाती है। और सुनिए मजे की बात, इन्हीं नौकरशाहों ने जो नहीं करना होता है उसके लिए कमेटी बैठा देते हैं ये। अब मंत्री तो बेचारा कमेटी बैठाएगा नहीं, मुख्यमंत्री तो कैबिनेट की बैठक के अंदर जो प्रस्ताव आएंगे उनके ऊपर अनुमोदन कर देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कहां हो रही है, एक्सरसाइज तो नहीं हो रही ना। कैबिनेट की बैठक होती है उसके अंदर एक वाइड डिस्कशन नहीं होता है, एक प्रस्ताव आया भर्ती के लिए लीजिए। और एक कहावत है कि शहर बसा नहीं लुटेरे पहले पहुंच गए, ये भर्तियों की कहानी है जी। ठीक है, जब भर्ती होती है
तो लोग और जो नौकरशाह अपने अपना 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 पहले हिसाब किताब देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या होगा, उसमें उनका लाभ है तो प्रस्ताव आगे जा रहा है, उसमें उनका लाभ नहीं है तो घुमा दो, कोर्ट में फेंक दो और उसके लिंगोरॉन कर दो, ये कमेटी बैठा दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की देश की नौकरशाही की एक बहुत बड़ी विफलता है कि उसने युवाओं को रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसे कोई कदम नहीं सामने लाए कि जिनसे जिनको अनुकरणीय कहा जा सकता हो। हम केवल इसको एक सरकारों को बदनाम करने के लिए आज कुछ ना कुछ कहते रहे, भाई ये अलग बात है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। अनिल शुक्ला साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं। अनिल जी, आप लोगों की तरफ से फैसला बहुत अहम लिया गया है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखेंगे, और दिनेश जी भी इस बात को कह रहे थे कि विभागों के अधिकारी ही कई बार ऐसी रीटें डलवा देते हैं या फिर जांच बैठा देते हैं कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पर भी इस बार नजर रखनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था वो नहीं पूरा किया, या नया जुमला आप लोग 24 के चुनाव को लेकर के आए हैं। देखिए, विपक्षियों का तो काम ही है सही काम को भी गलत ठहराना। मुझे तो लग रहा है कि इतनी बड़ी भर्तियों का जब फैसला लिया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट ने, माननीय मोदी जी ने, तो सभी को तो आवाज नहीं आ रही इनकी, जरा जोर से की आवाज बढ़वाइए जी, मैं कराता हूँ। हाँ, दिनेश जी को आवाज नहीं मिल रही, प्लीज सही कराइए। हाँ सर, बोलिए। सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है तो आपको पता है कि बीजेपी में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से ही होता है, किसी से सिफारिश से कुछ नहीं होता है। जो उसके तरीके बने हैं उस तरह से एग्जाम्स होते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं और भर्तियाँ होती हैं, न कोई जात के हिसाब से, न कोई धर्म के हिसाब से। जो एक संवैधानिक संरचना है, जो रिजर्वेशन है, उसके तहत यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है, जब जब भर्तियाँ हुई, माननीय योगी जी ने खुद पूछा कि आपके किसी ने सिफारिश करी, आपके किसी एमपी ने सिफारिश करी। तो अब हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग ये बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पात्र है और उसको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई गड़बड़ होने वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात रही कि आपने खुद ही सारे आंकड़े दे दिए हैं कि कब कब कितनी भर्तियाँ हुई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पिछले सालों से भी, 7-8 सालों के अंदर भी, पूरे देश में रिकॉर्ड स्तर पर हाईवे एक्सप्रेस वे बने हैं जिसमें तमाम लोगों को रोजगार मिला है। अब रक्षा जो उपकरण जो हम बाहर से मंगाते थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होने लगी है। हमने विदेशी कंपनियों की, यदि ये भर्तियां समयबद्ध हुई होती विदेशी कंपनियों से भी आज इस प्रकार के प्रॉब्लम ही नहीं आती। शर्मा जी, आपकी बात सुन लिया, 2 मिनट हमको भी सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर के फैक्ट्री वो लगा रहे हैं, खुद इंडिजनाइजेशन हो रहा है, उसमें यहाँ के लोगों को बड़े तादाद पर नौकरियाँ मिल रही हैं। 65,861 स्टार्टअप जो चालू हो चुके हैं, अगर हम ये मान के चलें कि 10 से 20 के एवरेज में उसमें लोगों को नौकरी मिली है, तो वो भी लाखों में नौकरियां जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बात सरकारी, जैसे आपने कहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दिनेश जी भी वही कह रहे थे कि सरकारी भर्तियों पर आप लोगों को फोकस बेहतर से करना चाहिए था, ताकि अभी ये जो 10 लाख वाला डाटा आप लोग पेश कर रहे हैं, अगर ये शुरुआत से इसी तरह से चलता तो शायद ये ना कहा जाता, या हम लोग इस विषय पर चर्चा ही ना कर रहे होते कि रोजगार अब क्यों दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि चूंकि ये देश को आप देख ही रहे हैं कि जो हम लोग अभी कहना अगस्त में 75 साल पूरे करने जा रहे हैं आजादी के, और इसमें से ज्यादातर समय कांग्रेस ने राज किया। कभी भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब हम दुनिया की इकोनॉमी में 25-30% थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमको कहना मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और जब हम आजाद हुए तो हम मात्र 3% पे थे। दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसमें हमारा हिस्सा 3% था। कांग्रेस को इतना बड़ा समय मिला, उनको ये सब चीज़ों को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो दूसरे चीज़ों में पड़े रहे। जब 14 में माननीय मोदी जी को ये देश और इस देश की इकोनॉमी मिली, तब दुनिया में हमारी स्थिति क्या थी सबको पता है, हमारी जो है बिजनेस में क्या स्थिति सबको पता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था हम कहाँ खड़े थे सबको पता है। तो आज जो है बड़े पैमाने पर इस पर काम हुआ है, और लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल
उस योजना के तहत या स्टार्टअप के तहत या क्या नाम है मुद्रा योजना के तहत लोगों को काम दिया गया है। अब वो मैं कल एक उसमें पढ़ रहा था अखबार में कि एक पिता ने अपने बेटे को बीटेक बनाने के लिए उसने कई लाख रुपया खर्चा कर दिए और वो बीटेक बनने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल पाई। और दूसरा था वो उसने कोई अच्छी सी क्या नाम स्टार्टअप में आ गया और उसने बड़ा अच्छा किया, उसने किया गया कि उसने जो मंदिर है मंदिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं बाद में नाली में फेंक दिए जाते हैं तो उन फूलों को उसने कलेक्ट कर लिया और उसको सुखा लिया, सुखाने के बाद उसने पल्वराइजर में पीस करके और उसमें सेंट वगैरह मिला करके अगरबत्ती बना करके और आज वो बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहा है और कम से कम 100 लोगों को कारोबार दे भी रहा है। तो ऐसे ये नहीं एक नहीं इसमें तमाम चीजें हैं कि जैसे हम अभी हमारी जैसे गांव सचिवालय बनाए गए। ठीक है शुक्ला जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से। प्रदीप जी शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप लोग अगर अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर काम कर रहे होते तो शायद ये इतना बड़ा पैमाना बेरोजगारी का नहीं होता, क्या कारण है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से जिन सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम करते हैं तो इस तरीके से इनको जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं इनको समझना चाहिए कि जिनको वो बेचने का जिनके शेयर बेचने का जिनके जिनकी जो जिनमें उसमें परसेंटेज बेचने का जो काम कर रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। वो कोई भी संस्था रही हो आपने मैं आपको लिस्ट गिना सकता हूँ कि लिस्ट वाइज कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी संस्थाओं में कितने कितने परसेंट की शेयर जो है हिस्सेदारी बेच दी। आप देखना चालू करेंगे तो चाहे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो ये चाहे आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो एयर इंडिया का तो पूरा 100% बेच दिया इन्होंने, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो सेल हो नालको लिमिटेड हो कोल इंडिया हो एनटीपीसी हो एससीएल हो ये हाँ मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे ही आ रहा गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसकी ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें इन्होंने पूरी की पूरी अपनी हिस्सेदारी बेचे दे रहे हैं। जब आप संस्थाएं ही नहीं रखेंगे तो रोजगार और जो देने की बात आप करते हैं वो बढ़ेगा कैसे, वो तो घटेगा। आप बात कर रहे हैं कि हम इतने रोजगार दे देंगे, अब तो आप एक जुमला दे देते हैं लोगों को विश्वास कैसे हो। आपने जब आप 2014 में सत्ता में आए थे तब आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने की बात कही थी। आज आप कह रहे हैं कि हम आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां प्रोवाइड करवा देंगे। 1.5 साल का आंकड़ा इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हाँ 2024 का चुनाव आ जाएगा और इस देश की भोली भाली जनता जो युवा बेरोजगार है वो इनके जुमलों में फंस करके फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम करे। एक चीज है दिनेश शर्मा जी अभी ट्रांसपेरेंसी की बात बहुत अच्छी कर रहे थे कि भर्तियां जब भी आई हैं तो कहीं ना कहीं वहीं उस विभाग के अधिकारियों ने ही पेच ऐसे फंसा दिए कि भर्तियां अटक गई हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला मामला तो शायद आप लोगों के समय भी हुआ होगा। नहीं देखिए ट्रांसपेरेंसी वाला आप देखेंगे पहली चीज तो जो जिन भर्तियों की बात चल रही वो उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उस समय से ये ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि पेपर लीक किसी की भी सत्ता रही हो एक आधा पेपर लीक हो जाता है या किसी की संवेदनहीनता के कारण ऐसा हो गया हो, पर उस पर कार्रवाई क्या हुई ये देखना महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज क्या लगातार वो घटनाएं घट रही हैं? उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो मैं डेटा दे देता हूं आपको, जुलाई 2018 में पहले माफ करेगा फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल का उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का पेपर आता है लीक हो जाता है, फिर जुलाई 2018 में लोअर सबॉर्डिनेट का पेपर आता है वो लीक हो जाता है, बीएड का पेपर लीक होता है, पेट का पेपर लीक होता है, उसके बाद नलकूप चालक का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही भर्ती का परीक्षा का पेपर आता है वो लीक हो जाता है, नीट का पेपर आता है वो लीक हो जाता है। तो संदेह ये उत्पन्न करता है कि एक पेपर लीक होना कार्रवाई हो जाना बात अलग है, आप क्या करते हैं कंटिन्यूएशन में पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, मतलब कि ये है कि आप इस प्रदेश के और इस देश के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना ही नहीं चाहते। आप ऐसे लूप होल डाल देते हैं उसमें कि पेपर अगर लीक ना हुआ तो वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाने के बाद वो चैलेंज होगा और वहां पे स्टे हो जाएगा। तो भर्ती देने का आपका उद्देश्य नहीं है, भर्ती देने का उद्देश्य होता है तो रेलवे की एक भर्ती आएगी आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उन बच्चों को जो अपनी रेलवे की 2019 की वैकेंसी थी जिसको वो भर्ती करने की मांग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेरहमी से उनको पीटा गया। तो ये
मनसा होनी चाहिए। आपकी मनसा ही नहीं है कि आप बेरोजगारों को रोजगार प्रोवाइड कराएं, आपकी ये मनसा कहीं से नजर नहीं आती। आपकी मनसा नजर आती है क्या, जो आपके मित्र हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको आज की डेट में भारत का प्रत्येक बच्चा बच्चा जानता है कि किनसे आपके संबंध हैं, उनकी इनकम में देखेंगे तो आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। कितनी बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति आए अगर आप दूसरे की देखेंगे तो उसमें क्या बढ़ोतरी हुई, और जो अडानी और अंबानी हैं उनकी बढ़ोतरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारों के लिए काम कर रही है कि अपने मित्रों के लिए काम कर रही है। रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ अरेली से हैं। रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी आज सरकार की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में 40,000 पुलिस की भर्तियां करी जाएंगी, और देश में तो आपको पता ही होगा कि आने वाले 18 महीने में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो एक नया रास्ता जो है बेरोजगारों के लिए खुल रहा है, कैसा लग रहा है? बातों का क्या बातें कह दी जाती ऐसे है? क्यों कह रहे हैं आप? अरे हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था कुछ बातें कह दी जाती हैं, जुमले वाली बात पे, 15 लाख वाली बात पे उन्होंने ऐसे तो कहा था कुछ बातें कहने के लिए कह दी जाती हैं। अदरड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे तो मुझे हंसी भी आई और मैं मुस्कुराया, फिर मैंने अपना को संभाला कि 5 अगर बातें इनके पास ना हो, कांग्रेस ना हो, कांग्रेस की नाकामी ना हो, और ऐसा लगता है कि 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ है और हम लोग आज 40 वर्ष की उम्र पार कर गए, और हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ के जाना, अपने बुजुर्गों से सीखा कि जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमारे देश में इस तरह की स्थितियां थी कि हमारे यहाँ कल कारखाने कम थे। औद्योगिक क्रांति के जनक कहे गए पंडित नेहरू, और उन्होंने औद्योगिक इकाइयां बैठाई, कई सारे डैम, कई सारे विद्युत कल कारखाने बैठाए गए, सुई नहीं बन पाती थी। आज हमारा देश इस स्थिति में था 2014 में जब बड़ी गलत जानकारी दे रहे हैं जी। औद्योगिक क्रांति के जनक तो नेहरू जी कभी नहीं कहलाए गए, आप हिस्ट्री उठाइए, आप तो योग्य व्यक्ति हैं। बात पूरी कर आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद कहिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा। हो सकता है कि आपका नॉलेज हमसे ज्यादा हो, चूंकि आप पत्रकार हैं तो आपको ज्यादा जानकारी होगी इसमें अपनी अपनी बात कहने का सबको है, चूंकि जो मैंने जाना है मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप अच्छे जानकार हैं, हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे थे, उन्होंने बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां गठित की हैं, और आपका कौन सा नॉलेज है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मुझे नहीं, भेल किसने बनाया था, HCL किसने स्थापित किया था? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसको जवाब दीजिए। आपने मेरी बात को काटा है तो जवाब आप देंगे, सुनिएगा, प्रश्न पूछ लीजिए। भेल किसने स्थापित किया, HCL किसने बनाया? पहली बार आपके देश में आया क्या जी? मारुति उद्योग से आपके देश के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। आगे बोलिए, क्या कहना? आपने मेरे बात तो थोड़ी दिया, लेकिन मैंने पूछा कि भेल की स्थापना किसने की। बात पूरी कर लीजिए, फिर चलेंगे, सर जवाब ले लेंगे, पहले बात पूरी कर लीजिए। जब ऐसा लगता है, मैं भारतीय जनता पार्टी, आज सवाल पूछा जाएगा सरकार से, कांग्रेस सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, और मेरे जो मेरे राजनीतिक आदर्श हैं और जिनको मैंने जो मैं समझता हूं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि इस देश में 10 लाख नौकरियां क्या काफी हैं? 1.5 साल में, 1 साल में 6.5 लाख, 130 करोड़ की आबादी वाला भारत देश, जहां पे सिर्फ हाई स्कूल, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का जितने विद्यार्थी पास होते हैं उससे बहुत कम आप हमें नौकरी दे रहे हैं पूरे देश में, ये नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरा है। और मैं शर्मा साहब से इत्तफाक रखता हूं कि हमारे देश की पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि जो सरकारें नहीं काम की, लेकिन जो 2014 में कांग्रेस के यूपीए की सरकार थी, उस जमाने में हमारा जीडीपी दर क्या था, हमारे पर कर्ज कितना था, और आज हमारे पर कर्ज कितना है, आज हमारा जीडीपी दर क्या है, उस समय सुन लीजिए, उस समय बेरोजगारी दर क्या था, 2016 में केंद्र की सरकार ने जो एक संस्था थी जो बेरोजगारी आकलन करती थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये किस आकलन के तहत ये बताते हैं कि हमारा जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो 3% के नीचे आ गया? ठीक, ये सारे सवाल देश की जनता को बताना चाहिए। ठीक है, शुक्ला जी से हम जवाब लेंगे। प्रीतपाल सलूजा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, फैसला आया है सरकार की तरफ से, आने वाले 18 महीनों में 10 लाख भर्तियां करी जाएंगी सरकारी, आपको क्या लगता है ये फैसला इलेक्शन को लेकर के है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है, और इस फैसले को आम जनता, आम युवा किस नजर से देखे, क्योंकि जहां तक अगर ये भर्तियां पूरी होती हैं तो ये अपने में एक अच्छा फैसला होगा? बड़ी अच्छी पिक्चर में सवाल था, गणपति बप्पा मोरिया, ये क्या हो रिया?
ये 2014 से लेके दो अभी आज हम लोग 2022 पे बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है और निकट भविष्य में करीबन 4 से 5 राज्यों में चुनाव है। जब जब चुनाव आता है तेल के भाव इस समय बढ़े हुए, युवा परेशान है, बार बार बेचारे कहीं कंपटीशन के लिए जाते हैं, अपनी गाड़ी में तेल डालते हैं या कोई प्राइवेट साधन से जाते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको देना पड़ा, नौकरी उनको मिलनी थी। अब ये नया सगुफा छोड़ा गया है कि हम इतने दिनों में या इतने साल में इतनी नौकरियां देंगे। एक सगुफा इन्होंने 2019 में इनके रेल मंत्री पीयूष गोयल ने छोड़ा था कि हम अगले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां रेलवे देगी। कितनी नौकरियां अर्जित हुई, कितनी नौकरियां इन लोगों को मिल गई। हम लोग उत्तर प्रदेश में आज बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी, तभी मुखिया थे आज भी मुखिया है, इनके मैनिफेस्टो में इनके मैनिफेस्टो 2017 में क्या लिखा था, कितनी नौकरियां देने की इन्होंने बात की थी, दी कितनी, 70 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे थे ये, और 4.5 लाख नौकरियां ये विधानसभा में छाती पीट रहे थे कि हमने दे दी। और जब उस पर RTI लगाया गया तो पता चला 3.5 लाख नौकरियां जो संविदा पे है जो 11 महीना में समाप्त हो जाती है। एक नया सगुफा इन्होंने छोड़ दिया आज, आज इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री इस देश के कर दिया कि हम अगले 4 साल के लिए नौकरियां देंगे, सैलरी हम 30,000 रुपए देंगे, 4 साल बाद वो युवा क्या करेगा, 37 वर्ष की आयु के बाद आप नौकरी नहीं दे पाते हो, उसके बाद जब 4 साल बाद 33-34 साल का या 35 साल का युवा या 32 साल का युवा आपके पास आएगा तो उसकी उम्र 36, 38, 39 और 40 हो चुकी होगी, कहीं उसको कोई नौकरी नहीं मिली, करेगा क्या, गार्ड बनेगा, ATM के बाहर खड़ा होगा, किसी बड़ी बिल्डिंग के बाहर गार्ड डंडा लेके खड़ा होगा क्या? इसीलिए हम देश के माता पिता ने इतना पैसा लगाने के बाद उसको बीटेक कराया, डॉक्टरी कराई, सब कुछ कराया, कर्जे ले लेके कराया, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे मजाक उड़ा रहे हैं उनका, उनसे कह रहे हैं कि एक युवा ने मंदिर के बाहर से फूल उठाए उसपे धुमत्ती बना डाली। एक बार इनके प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा तल लो, वो भी एक व्यापार है, चाय बेच लो एक व्यापार है, ये सब देश के अंदर एक मजाक बना के इन्होंने रख दिया। जब जब चुनाव आता है तो उनको इनको ये लगता है कि झुंझुना पकड़ा है। जब बच्चा माँ के पास रोने लगता है तो बच्चा कभी माँ उसको कभी चूसनी दे देती है, कभी झुंझुना बजाने के लिए दे देती है, उसी तरह प्रधानमंत्री देश के कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता युवा ने अपना बहुतार्थ समय जो है वो इसी पढ़ाई के लिए दिया कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया। अब 4 साल की नौकरी में वो युवा देश के लिए क्या योगदान दे, लेकिन यार कितनी वेदना की बात है। अगले ने पूरा जीवन लगा दिया पढ़ाई कर करके, माँ बाप ने कर्जा कर करके उसको पढ़ा दिया, आज उसके हाथ में डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं योग्यता नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है, योग्यता नहीं है। नौकरी कौन देगा, अडानी अंबानी देगा, जब इनसे ज्यादा पूछो कहेंगे अडानी और अंबानी नौकरी देंगे, वो 11 महीने शोषण करेंगे। आप जाइए उन युवाओं से मिले, दिमागी तौर पर बेचारे इतने वो मतलब स्थिर ही नहीं रहे, उनसे पूछो कुछ जवाब कुछ मिलता है, इतने उनके ऊपर ओवरलोड कर दिया गया, बाहर की कंपनियां आके आप पे यहाँ के युवाओं की जो योग्यता है वो उठा उठा के बाहर ले जा रहे हैं, हमारे योग्य बच्चे जो बाहर जा रहे हैं। अब यूक्रेन की लड़ाई में देश ने देख लिया कि कितने बच्चे, कितने हमारे बच्चे वहां पे फंसे हुए थे, ये तो देश के प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है कि लोगों को पता चल गया कि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं बाहर उनके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, शेल्टर में रह रहे के अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमारे देश के लोगों ने आपको वोट इसीलिए दिया था कि आप हमें 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष दोगे। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी जब भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था हर वर्ष 3 नौकरियां देंगे, अब वहां पे अनाउंसमेंट हुआ तो यहाँ योगी बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया 41,000 नौकरियां हम देंगे, जो संविदा पे नौकरियां दे रहे हैं वो पक्की नौकरियां 41,000 कहां से देंगे। जितनी भी भर्तियां आज तक घोषित हुई है आपके चैनल के माध्यम से, कितनी बार हम लोग डिबेट पे बैठते हैं, हर भर्ती के ऊपर घोटाला, हर भर्ती लीक, एक भर्ती इन्होंने सुचारू ढंग से की हो तो बताएं इनको नंबर दिया जा सके, ये सारे चुनाव मोड में आ गए हैं। चुनाव मोड के कोई भी युवा देश का या जो नागरिक देश का है वो सब ना समझाओ तो आप समझ लो कि अब तुम्हारे साथ इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि अब 4 साल की नौकरियां इन्होंने निकाल दी, ये स्थिति आ गई है। अगले दिन में जब ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 500 रुपए में महिलाएं हमारी घर चला लेंगी, ठीक है,
हमारी देश की महिलाएं 500 रुपए हम देंगे खाते में, ये पूरा महीना घर चलाएंगी। ठीक, मैं आता हूं। तारीख गाय को देते 300 रुपए महीना तो गाय बच जाएगी। ये सब चीजें नीतीश की नहीं चल। मैं आता हूं आपके पास। तारिक खान हमारे साथ सपा से हैं, वारसी साहब इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। तारिक भाई, ये फैसला जो आया है केंद्र सरकार की तरफ से और आज प्रदेश सरकार की तरफ से भी, रोजगार की दृष्टि को देखते हुए, आप लोग लगातार रोजगार को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, आज भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, अब जो ये फैसला आया है इसको कितना अहम आप मानते हैं? देखिए, फैसला तो अगर रोजगार के लिए किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप उठाया जाएगा तो वो कितना कितनी वॉल्यूम में उठाया गया है ये इम्पोर्टेंट है। अभी किसी प्रवक्ता ने कहा था कि देखिए हमको यहाँ दो चीजें समझने की जरूरत है। आप नौकरी को दो भागों में बांटिए। देखिए मेरा बड़ा खास विषय है इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। एक तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी बताया कि आपने समिट किया था और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दो दो तीन तीन कर डाली आपने। आप ये तक नहीं बता पाए कि उससे प्राइवेट सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट सेक्टर पे आप आ जाइए तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कहा कि हम इतनी नौकरियां जनरेट करेंगे। तो इतिहास आपका उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लूंगा, ये रहा है कि आप पेपर लीक करा देते हो। अभी आपने एक बहुत खास बात कही कि एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट रेट कहीं कम नहीं हुआ है। उस चीज को मैं बता दूं, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको कहते हैं LPFR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उत्तर प्रदेश का 13% कम हो गया। अच्छा। और इसका मतलब यह है कि जो 15 साल के ऊपर के लेबर फोर्स थे उन्होंने नौकरी मांगना ही छोड़ दिया। अच्छा। और जब उन्होंने नौकरी मांगना छोड़ दिया, जिनकी तादाद करोड़ों में है, तो जब उनका रेट कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गया। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। तो कह रहे थे कि हम लोगों ने नौकरियां दे दी इस वजह से कम हो गया। नहीं दी है, मैं ये पूरा लिख के बैठा हूँ। ये देखिए, ये पूरा लिख के बैठा हूँ, मैं इसको दिखा सकता हूँ लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना कम हुआ ये आप देखिए, यही सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस टाइम 33% है और 2017 में 46% था। इसका मतलब यह है कि 15 साल से ऊपर वाले जो लोग थे उन्होंने नौकरी मांगना ही बंद कर दिया। अब लेबर फोर्स यहाँ कितना है? लेबर फोर्स यहाँ पर तकरीबन 170 मिलियन है। तो इसका मतलब यह है कि 14, 16, 17 करोड़ लेबर फोर्स है, जिसका लगभग 70% जो रेशियो है वो आदमी नौकरी मांगना ही छोड़ दिया है। क्या वो निराश हो गया? क्या जॉब की सप्लाई कम हो गई? क्या प्राइवेट सेक्टर में जॉब की सप्लाई नहीं आई? इसमें श्रमिक भी है, हर तरीके का लेबर फोर्स। देखिए, एक चीज कहूंगा, दिनेश शर्मा जी से जब शुरुआत में बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है और अधिकारी कहीं ना कहीं लिंगर कर देते थे और ये बीती सरकारों में सबसे ज्यादा होता रहा है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि बीती सरकारों में जब भर्तियां आती थी तो अधिकारी कहीं ना कहीं पहले अपना कोटा जो था वो सेट करने में लग जाते थे और अपनी सेटिंग करने में लग जाते थे। इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो एक तरीके से आरोप है। आप अपनी सरकार में इतनी भर्तियां हुई, मैं एक एक करके क्या गिनाऊं? अभी किसी ने गिना दिया, उसको तो पूरा कर नहीं पाए हैं। उसके बाद आंकड़ों का खेल करते हैं। अब चलिए ठीक है, कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां देंगे, वो भी देख लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अधिकारी अगर लिंगन और करते थे या उसको डिले करते थे तो उस चीज को कम करिए ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जो देश का युवा है वो परेशान है, उसको एटलीस्ट इंप्लॉयमेंट तो आप जनरेट करिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 15,00,000 करोड़, और इंप्लॉयमेंट रेट कितना घटा? क्योंकि लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेबर पार्टिसिपेशन रेट। दुनिया में हिंदुस्तान का लेबर पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम है। इस पे भारतीय जनता पार्टी की जीरो जीरो कंसंट्रेशन है कि वो लोग बेचारे कहां गए जिन्होंने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। आप भी भाजपा से बताइए कि इस पे ध्यान दे कि वो लोग बेचारे कहां चले गए जिन्होंने नौकरी मांगना ही छोड़ दिया। उन्होंने उस जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म से ही अपने आप को हटा लिया है। बुरी तरीके से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हुआ है। और ये और एक बात समझिए, एक और अहम डाटा है, जो लेबर फोर्स है हमारा 15 साल से ऊपर वाला वो बढ़ा है। मतलब लेबर फोर्स का परसेंटेज बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है। जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है इसका मतलब है अब कम लोग नौकरी मांग रहे हैं, तो उसी में से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल के आ रहा है वो भी कम हुआ जा रहा है। तो जब कम लोग नौकरी मांग रहे हैं, 10 ही लोग नौकरी मांग रहे हैं, तो 2 ही लोग अनएम्प्लॉयड बचे, तो परसेंटेज में वो चीज घट गई। ठीक है, मैं आता हूँ। अनिल शुक्ला जी, सबकी बातें आपने सुन ली, लगभग सभी जो है वो काफी अलग अलग तर्क दे रहे हैं आपके और आपकी सरकार के इस फैसले को लेकर। क्या
एक एक का हम जवाब दे देते हैं जल्दी से। जहां तक रही कांग्रेस की बात तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पूरे रिजीम में जब से इन्होंने स्वतंत्रता के बाद सरकार बनाई, इन्होंने घोटालों के अलावा तो कुछ किया नहीं। बड़े बड़े घोटाले हुए, कोयला घोटाला हो, चाहे आपका हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे आपका एसीआट का घोटाला हो, मतलब इस तरह के दर्जनों घोटाले, चाहे आपके बोफोर्स तोप का घोटाला हो, ये बड़े बड़े घोटाले करके इन्होंने देश की इकनॉमी को बर्बाद किया, लोगों को और गरीब होने पर मजबूर किया। और जो काम हिंदुस्तान में 50-60 सालों में हो जाना चाहिए, बुनियादी काम, कि सबको मकान मिल जाने चाहिए थे, सबको पानी मिल जाना चाहिए था, सबको बिजली मिल जाना चाहिए था, सबको शौचालय मिल जाने चाहिए थे, सबको खाने का प्रबंध हो जाना चाहिए था, सारा आत्मनिर्भर लोगों को हो जाना चाहिए था, उनको नहीं होने दिया, उनको गरीब का गरीब बना करके छोड़ दिया। इसके बाद ये बात सही है कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई 14 में, जब वो उन्होंने इस देश की कमान संभाली, तब से आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बदलाव आए हैं। जो ये कह रहे हैं एक सलूजा जी की बात को भी मैं बता देना चाहता हूँ, सलूजा जी की बात को बता देना चाहता हूँ। पांच परिवर्तन गिनवा दीजिए। अरे आप बता तो नहीं, सलूजा परिवर्तन गिनवा दीजिए देश के सर, जिससे बता रहा हूँ, पांच परिवर्तन महंगाई का बता रहा हूँ भाई। आप परिवर्तन तो अभी आप तो रिजाइन, अब आपको अगर डिस्टर्ब ही करना है तो अलग बात है, आप ये सोच के बैठे हो, बता रहे हो, बता रहे, बता रहे, अरे भाई बता रहा हूँ, बता रहे हो प्रीतपाल जी, बता रहे हो, अरे सुनो तो भैया जब बता, हाँ वो बता रहे, प्रीतपाल जी सुन लीजिए, अरे प्लीज प्लीज सुन लीजिए, बता रहे, अनिल जी बता रहे, आ रहा हूँ भाई, सुनोगे तब तो, जब सुनोगे नहीं तो कैसे होगा। बड़े पैमाने पर हमने जो है क्या नाम एक्सप्रेस वेज बनाए हैं पूरे आज हिंदुस्तान में, आप कहीं से कहीं चले जाओ, जो आप सुन लो मेरी बात, 14.5 रुपए प्रति लीटर देश के लोग आपको दे रहे हैं उसके लिए, प्रति लीटर तेल जो भराता है 14.5 रुपए आपको सेस देता है इसके। अरे तो भाई तो कहाँ दे, मोदी ने घर से भरवा दिया क्या? अरे तो जो पैसा होगा उसी से तो बनेगा यार, फिर वही बात आप कर रहे हो, आप प्रति लीटर पे 14.5 रुपए सेस नहीं ले रहे हो, बताओ ऑन चैनल। भाई तो कहाँ से, कोई घर से लाके बनाएगा क्या? आप घर से करते हो काम? फिर ये केजरीवाल, केजरीवाल अपने घर से लाके बना रहे क्या? केजरीवाल घर से लाख बना रहे क्या? अरे थे तो केवल एक अधिकारी तो थे वो, और मेरे साथ केवल केवल अधिकारी तो थे वो, और कुछ तो नहीं थे, है ना? अरे सब पता है, राजीव केजरीवाल क्या कर रहे हैं सब पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो हमारी बात सुन लो, हमने आपके बीच में, आपको हमने बीच में नहीं टोका है, आप बात ही नहीं करने दे रहे हो, से लेके गया तक में रोडों का भाई, आप बात ही नहीं करने दे रहे हो, सड़कों में रोड नहीं है सर, गड्ढों में गड्ढा है। ठीक है प्रीतपाल जी सुन लेते हैं, पहले अनिल जी की सुन लेते हैं, अनिल जी की सुन, गड्ढे नजर आ रहे तो मैं क्या करूँ, लक्ष्यदार बातें बता रहा मैंने, आपको अगर आपको गड्ढे, आपको सड़कें अच्छी अच्छी सड़कें, आपको गड्ढे नजर आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 बीघा दीजिए दिल्ली से, एक मिनट दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाओ कहाँ गड्ढे बताओ, जमीन दिया मैंने, दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाओ कहाँ गड्ढे। अच्छा अनिल जी, रविंद्र पटेल कह रहे थे कि आप लोगों के पास अगर कांग्रेस ना हो तो आप लोग राजनीति ना कर पाए, नहीं मैं सबकी बता रहा हूँ, मैं सब इनकी बात भी कर रहा हूँ, मैं जो समाजवादी पार्टी के जो भी भाई साहब कह रहे थे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, कि वो लोग कहाँ चले गए, वो सारे लोगों ने अपने अपने काम कर लिए, इसलिए इसलिए पकौड़ा की बात कर रहा हूँ, अगरबत्ती की मजाक उड़ा रहे, आज उसने अगरबत्ती बना करके अगर एक किसी लड़के ने स्टार्टअप शुरू किया है तो मंदिरों की गंदगी दूर कर रहा है, और आज वो आज आज 100 लोगों को, एक मिनट सुन लीजिए, 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, 100 लोगों को रोजगार दे रहा है और बड़े पैमाने पैसे कमा रहा है, तो आज वो इंडस्ट्रीज बन गया है, तो आप उसको जो है क्या बजाय बजाय उसको अप्रिसिएट करने के आप उसको मजाक उड़ाते हो, कोई काम कर रहा है तो उसको मजाक उड़ाते हो, अगरबत्ती तो आप जलाते हो घर में, अगरबत्ती आप घर में नहीं जलाते हो। नितिन भाई मैं जवाब दूंगा, 18 तारीख भाई, हाँ करने के बाद भाई आप आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी बात भी सुनो, मोदी जी नहीं है, आप ठीक है प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं नहीं चाहता कि आपके बात में कोई दम नहीं है, आपके बात में कोई दम नहीं है, इसलिए आप सुनना नहीं चाहते, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास देश को बनाने की योजना नहीं है, आप तो जबरदस्ती जो है लोगों को बेवकूफ बना करके आप बन जा रहे हो, और अगर हमारा हमारी योजना ना होती तो सुन लीजिए मेरी बात, 2014 में हमने सरकार बनाई और 2019 में 300 से ज्यादा सीटें जीत के आए, और अब की बार फिर आप देख लेना 2024 में 400 सीटें जीतेंगे, आप लोग आज तक
तक कांग्रेस आज तक लीडर अब अपोजिशन नहीं बना पाई पार्लियामेंट में, क्या बात करते हो आप प्रदीप है ना? मैं आ रहा हूँ रविंद भाई, आ रहा हूँ। जज जज कौन है? जज तो जनता है ना। ठीक ठीक सुन लेता हमारे पक्ष फैसला दे। ठीक अनिल जी हो गया ना। एक बात खबर में जवाब दे देना चाहिए, थोड़ा जल्दी। हाँ मैं जल्दी कर दूंगा। मैं यही केवल कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि पहले तो ये कांग्रेस के हाथों लूटा पिटा, फिर 25 साल तक कभी सपा ने कभी बसपा ने बारी बारी लूटा, तब जाकर के ये प्रदेश माननीय योगी जी को मिला है। अब रात दिन वो मेहनत करके 18-18 घंटे काम करके इस प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश से एक खाऊ प्रदेश से कमाऊ प्रदेश बना करके और इसको इसको जो है हिंदुस्तान में इसको नंबर एक पर रखने के आज ये प्रदेश हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे आ गया है। आज हमारा प्रदेश तीसरे नंबर पे रात दिन मेहनत करने नतीजा। ठीक 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 प्रदीप तिवारी क्या कह रहे थे? भुखमरी के मामले में। ठीक है प्रिंसिपल जी, प्लीज प्रिंसिपल जी, आप बताओ कौन भूखों मर रहा है? सोने के मामले में कौन भूखों मर रहा है बताओ ना, कोई एक आदमी बताओ तो। कौन भूखों मर रहा है? अरे फर्जी बातें करने से सरदार जी कोई फर्क पड़ने वाला? ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज ठीक है थैंक यू। बोले तो कोई फर्क ठीक है बात आ गई आप लोगों की भाई, बात आ गई, बाकियों के पास चलेंगे। प्रीतपाल जी प्लीज हां प्रदीप तिवारी जल्दी से बात करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, 2014 के बाद ही ये देश आजाद हुआ है और देश की आजादी के बाद सारा कुछ जो डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी ने कर डाला है, चाहे वो हाईवेज बने हो, एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस, वो नहीं वो एक्सप्रेस वे बनाने की बात करते हैं, इससे पहले वो पता नहीं कौन सी सड़कों पे चल करके मोदी जी जो जाते थे वो एयरलाइंस कौन सी थी जिसको, या जो हमारे यहाँ एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा HL के द्वारा जो हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान बनाए जा रहे थे वो कौन सी कंपनियां थी, उनको किसने स्थापित किया था? शायद भारतीय जनता पार्टी के मैं आपकी बीच में नहीं बोल रहा था, तो उम्मीद करता हूँ आप सीनियर है हमारे, तो बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको समझना चाहिए कि इस देश में आज़ादी के बाद से जो डेवलपमेंट हुए, चाहे वो हाईवेज को लेकर के हो या जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनको स्थापित करने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, जो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो वो डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया। हाँ, अब उसको बेचने का काम आदरणीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उसके पहले बड़े बड़े वादे किए गए कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बेरोजगारों पे जो बेरोजगारी पे होगा वार मोदी सरकार, दुनिया भर के जुमले खूब किए गए ना, महिलाओं पे अत्याचार रुके हैं, आप देखेंगे तो महिलाओं पे अत्याचारों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो थाने के अंदर एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, उस पर आप क्या जवाब देंगे कि इस देश में कैसी कानून व्यवस्था आप स्थापित कर रहे हैं? तो किसी भी चीज को लेकर के आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं नजर आएगा। हाँ, अगर कागजी आप बातें देखेंगे तो कागजी बातें आपको बहुत नजर आ जाएंगी कि कागजों में भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कर लेती है कि एक रोड बनाती है और उसमें डिवाइडर होता तो इधर की भी नाप कर लेती है और उधर से लौटने वाली भी नाप करके उसको बता देती है कि हमने इतनी किलोमीटर रोड बना दी। इनका पैमाना ही अलग है, ये नए नए पैमाने सेट कर देते हैं और अपने पैमानों के अनुसार हर चीज के डेवलपमेंट क्या किए उनको गढ़ करके इस देश की जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इस देश का युवा जो बेरोजगार है आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, आप उसको सरकारी रोजगार देने की बात कहते हैं और वो जुमला हो जाता है, आप देने दे तो पाते नहीं है, फिर आप उसको तरह तरह के जुमले और बताते हैं कि आप पकौड़ा तल लो, आप ये बना लो वो बना लो। भाई, क्या आपसे आपकी सरकार आने से पहले लोग पकौड़े नहीं बनाते थे? क्या आपकी सरकार आने से पहले चूड़ियों का उद्योग नहीं था? क्या आपकी सरकार आने से पहले लोग दरोजी का काम नहीं करते थे? क्या आपकी सरकार आने से पहले पीतल का वर्क नहीं होता था? आप तो एक सिगोफा लेकर के आ गए हैं, आपने उसमें क्या सरकारी विभागों में रोजगार उत्पन्न किया उसका डेटा दीजिए। ठीक रविंद्र पटेल क्या कह रहे थे, जल्दी से बात करिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 में आई है उसके बाद हम सब लोग इस भारत के नागरिक बने हैं, उसके पहले ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि मानेंगे नहीं है। ये जो तथ्य देते हैं वो उस तथ्य को अगर ना मानो, इनका सबसे मूल एजेंडा है, इन्होंने विकास किया धार्मिक उन्माद में विकास किया, इन्होंने विकास किया गैर बराबरी में विकास किया, इन्होंने इतनी लंबी खाई पाट दी, अगड़ा पिछड़ा दलित बैकवर्ड हिंदू मुस्लिम बुलडोजर इसका विकास किया इन्होंने। अरे रोजगार है ही नहीं कहीं, जब रोजगार होगा तो पत्थरबाज होगा,
खाली बैठेगा। देखिए कह तो रहे थे अभी कि ये जो जो तारिक खान कह रहे थे, अनिल जी का बड़ा अच्छा अनुभव है, हमारे वरिष्ठ हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष अच्छा पक्ष रख रहे हैं, पक्ष रखना भी चाहिए, लेकिन पक्ष कहीं हमें नैतिक भी होकर सोचना पड़ेगा, हमें राष्ट्रवादी भी होकर सोचना पड़ेगा, हमें देश का हितैषी भी सोचना पड़ेगा। आप भी किसी न किसी बालक बालिका के पिता होंगे, भतीजे होंगे, चाचा होंगे, ताया होंगे, आप जब जब अपने बेटी की शादी करने जाते हैं तो आपको सरकारी नौकर चाहिए, और आप बता रहे सड़कें, सड़कें आपने बनवाई है पीपीपी मॉडल के माध्यम से, किसी बड़े आदमी को आपने ठेका दिया और दूसरा बड़ा आदमी उस पर पैसे वसूल रहा है ना, और हम जैसे कंज्यूमर उस पर पैसे दे रहे हैं, जैसे सलूजा साहब कह रहे थे 14 रुपया प्रति लीटर, ठीक है, उसमें जो इम्प्लाई लगे थे वो प्राइवेट थे, किसी ठेकेदार के थे, वो गवर्नमेंट नहीं थे, काम खत्म, रोजगार खत्म। 4 साल में आप रोजगार देंगे, 4 साल के बाद जो सैनिक बंदूक की ट्रेनिंग ले लेगा, गन चलाना सीख जाएगा, हथगोला चलाना सीख जाएगा, ग्रेनेड फेंकना सीख जाएगा, वो 4 साल के बाद क्या करेगा, वो समाज में क्या फेंकेगा, वो समाज में क्या फेंकेगा, वो फिर वही वही नक्सलिज्म है, वही छीनने की आदत है, वही बढ़ावा मिलेगा, आरोप लगा रहे नौजवानों, वही बढ़ावा मिलेगा। आज 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 जो गैर बराबरी है, आज हम जैसे शिक्षित लोग जो आज पीड़ा है, दर्द है, चेहरे की जो भाव भंगिया बदल जाती है रोजगार के मुद्दे पे, हमारे भाई पीटे जा रहे हैं, रोजगार पढ़ लिख करके आए, आधा पेट, हमारे यहाँ गांव में संस्कार दिया गया आधा पेट खाओ, लेकिन बच्चों को शिक्षित करो, लेकिन आज वो शिक्षित बच्चे सड़क के लखनऊ की चौराहे पीटे जा रहे हैं, सर फोड़े जा रहे हैं, ब्लड सड़कों में रंग लाल हो जा रही है, और कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। बात का जवाब दे दे जी, दीजिए। जो एक सर्विसमैन होता है उसके अपने नियम होते हैं, समझ रहे हैं, उनकी अपनी एज की रिलैक्सेशन होता है, और नौकरियों में उनको प्रेफरेंस होता है, उनका रिजर्वेशन होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि वो जो है सब बदमाश गुंडे बदमाश बन जाएंगे। 4 साल अगर वहाँ नौकरी करके आएँ, कुछ सीख करके आएंगे, तो कुछ अपना रोजगार करेंगे, कुछ सरकारी नौकरियों में जाएंगे, और वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे, देश के काम आएंगे, वो कोई गुंडे बदमाश या जो है कौनम ये सब नहीं बन जाएंगे। ये आपकी सोच है, गलत सोच है। कितने लोगों को 4 साल बाद रोजगार खत्म कर देंगे आप बताइए ना, 4 साल में कितने जो लोग लौट के आएंगे उनको कौन सा रोजगार देंगे आप बताइए, कि कौन सा भाई जब चार्ट बनेगा तो सामने सब रखिए ना, कि 4 साल के बाद हम उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल में उनको हम पुलिस में रखेंगे, हम उन्हें अर्धसैनिक बल में रखेंगे, आप एक चार्ट बनाइए ना, पूरा पूरा देश के सामने पूरा ब्यौरा रखिए, आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे तो हम जैसे लोग बौखलाएंगे ना, हर जगह उनको प्रेफरेंस होगा, उनके आप सर इसको लिखित में दीजिए, लिखित में दीजिए सर, ऑलरेडी लिखित में है, लिखित में नहीं है। अरे आज आपने सिर्फ जो एक सर्विस है, एक सर्विसमैन कितने लोग नौकरी में लगे हैं, आपको पहले बता दूं सर, पहले खुद सुन लीजिएगा, मैं बोलना चाहता हूं, एक बात सुनिए, एक मिनट सर, मेरे परिवार मिलिट्रियन होता था उसको 10 बीघा 5 बीघा खेती बाड़ी करने का मौका मिलता था, आज बहुत से रिटायर्ड व्यक्तियों को कहां खेती मिल रही है बताइए मुझे, मैं भी किसान का बेटा हूँ। अरे तमाम लोगों को पेट्रोल पंप अलाट हुए, तमाम लोगों को गैस एजेंसी मिली, सबको मिले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तारिक खान क्या कह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए अब ये जो भर्ती की बात हो रही है, ये शायद मिलिट्री वाली भर्ती की बात कर रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ, उसी में 4 लाख की बात थी। मिलिट्री की भर्ती है वो क्या मतलब, अब इसलिए बताया कि वो फिर पकोड़ा बैठेगा, फिर वो बताया तो मैंने कि गार्ड बनेगा, एटीएम के बाहर बैठेगा, इस तरह की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। 4 साल के बाद उसके तन से पेट जो है जुदा, 4 साल के बाद इनकी सरकार गठित हो जाएगी, फिर अगले 5 साल बाद खत्म हो जाएगा, 4 साल के बाद उसको भूख नहीं बंद हो जाएगी, ये वो व्यवस्था खड़ी कर इनकी सरकार बन जाएगी पूरा, है ना, सरकार बना लिया देश का, तब 2024 निकल चुका होगा, तब वही हुआ 4 साल बाद इसी रोड सड़कों पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, कहेगा तुम्हारी तो उम्र खत्म होगी, सरकार कहेगी अरे तो कोई अच्छा प्रोग्राम लेके आओ ना, कोई अच्छा प्रोग्राम लेके आओ, तुम इसकी बुराई करने से क्या फायदा, अच्छा प्रोग्राम लेके आओ, सबको दो और सारे सारे लोग तुम्हारे साथ जुट जाए, आप लाओ ना, अच्छी सी सरकार लेके आप लाओ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, भाई एक मिनट, इसी सरदार जी इसीलिए आपकी जो है उत्तर प्रदेश में हर सीट पर जमानत जब्त हो गई है ना, तली पर आपकी उत्तर प्रदेश में कहीं जमानत नहीं बची, बहुत बड़ा लेके आए कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब जगह जमानत जब्त हो गई आपकी, उत्तर प्रदेश में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग समझदार है। ठीक है ठीक है ठीक है प्रीतपाल जी, ठीक समय कम है, तारिक खान बात पूरी कीजिए, फिर दिनेश जी के पास चलेंगे।
जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा जो जॉब का आपने जो टॉपिक रखा वो तो पहले मैं मुझे आपको मुबारकबाद देना था, पहले दे नहीं पाया, बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा। सरकार सीरियस नहीं है जी। मैं फिर कह रहा हूँ इनको सीरियसली ये सोचना चाहिए कि कितने लोग नौकरी छोड़ने से बाहर गए। और अगर ये कह रहे हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उन लोगों ने अपना रोजगार खोल लिया, तो मैं कह रहा हूं मैं उन 50-60 लाख लोग हो गए लगभग जिस हिसाब से परसेंटेज निकल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि उन 50-60 लाख लोगों ने कौन सा रोजगार छोड़ा। अगर वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से बाहर हो गए तो वो एंटरप्रेन्योर बन गए, अपना खुद का बिजनेस करने लगे। मुबारकबाद, पूरा हिंदुस्तान चाहता है अपना खुद का बिजनेस करने लगे। 65,861 बना, लिख के बता रहा हूं ना, मार्च 2022 तक 65,861 लोगों ने स्टार्टअप में अपने व्यापार शुरू कर लिए और उसमें कम से कम 20 लोगों को नौकरियां दी। वो तो 40-50 लाख है ना सर, कम से मतलब 5 में। अरे भाई ऐसे 13 लाख तो ऐसे ही हो जा रहा है, अगर 20 लोगों को भी एक आदमी नौकरी दिया तो 13 लाख हो गया ना जी। 10.5 आ रहा है 130 करोड़ में, देख लीजिए। जहां प्रधानमंत्री आज तक अपना साथ नहीं, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने शुरू किया उन्होंने भी कई लोगों को रोजगार दे दिया। जहां प्रधानमंत्री का स्टेशन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, जहां वो चाय बेचा करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर गवर्नमेंट के पास केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह काहे जमानत जब्त हो गई। बिल्कुल केजरीवाल काम कर रहा है, तभी तो पंजाब, तभी तो उत्तर प्रदेश में सब जगह जमानत जब्त हो गई। ठीक है प्लीज प्लीज, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है यहाँ पे, बहुत है। यहाँ तो आपकी जमानत जब्त हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में। तारीख का बात कीजिए, बहुत तेजी से आए थे। नितिन भाई, देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, हम लोग सिर्फ नितिन भाई एक बात सुन ले, बोलिए बोलिए तारीख भाई, बोलिए आवाज आ रही है। हरियाणा में पहले नंबर की पार्टी बन गई हम। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएं। विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि कॉन्स्ट्रक्टिव रूप हो विपक्ष का। अगर हम कोई चीज दिखा रहे हैं कि उस तरफ आपका ध्यान नहीं है तो सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, इनका ध्यान नहीं है। और अभी बीजेपी या आम आदमी के भाई हमारे पूछ रहे थे कि ये अपनी उपलब्धि बता दें, तो दो उपलब्धि मैं जानता हूँ, एक इन्होंने एक महंगा जहाज खरीदा है और एक हजारों करोड़ का दिल्ली में घर बनवा रहे हैं, ये दो उपलब्धि मैं जानता हूँ, पांच नहीं जानता हूँ। ठीक है, एक मैं बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद फैलाया है, एक मुझसे भी ले लो। ठीक ठीक तारिक भाई, ठीक ठीक दिनेश शर्मा जी के पास, सुजा जी के लिए है ना जवाब दिया है। जो आपने सवाल पूछा था कि ये चार साल वाला जो ये फॉर्मूला है ये किसने दिया, तो उन्होंने कहा कि चार साल वाला अगर फॉर्मूला है भी तो जो चार साल अपनी नौकरी पूरी कर लेगा उसको दूसरे विभागों में प्रेफरेंस दी जाएगी और वहां पर उनको रोजगार दिया जाएगा। आ रहा हूँ प्रीतपाल जी, हम कुछ नहीं कह सकते, चार साल में क्या घटित होता है, क्या रणनीतियां बनती हैं, ये चार साल के बाद पता चलेगा। गवर्नमेंट ने अपने एजेंडा में इस बात को क्लियर किया है। पहली बात तो ये है कि देखिए, देश में 131 करोड़ की आबादी का प्रबंधन, देश में 131 करोड़ की आबादी के प्रबंधन पर बैठकर हम चटकारे लेने के बात करें, ये बहुत मुश्किल काम है। और मोदी सरकार ने देश के अंदर विकास भी किया है, लोगों को रोजगार देने का भी काम किया। रोजगार केवल सरकारों में नौकरी से ही नहीं मिलता है, रोजगार तो और भी क्षेत्र है उसके जहां से आदमी रोजगार हासिल करता। मुझे बताएगा क्या देश के सारे युवा जो है वो भारत सरकार की राज्य सरकारों की नौकरी में है? क्या उनका रोजगार क्या भारत सरकार से और राज्य सरकार से ही चल रहा है? वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी योग्यताओं के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जो भारत जो सरकार की सेवा में नहीं आते, लेकिन वो टाटा के यहाँ और बिरला जी के यहाँ सर्विसेज को चूज करते हैं, आप पता कर लीजिएगा। तो रोजगार ये नहीं कि केवल भारत सरकार में नौकरी मिलेगी, ये नौकरी ढूंढने वाले भारत सरकार के राज्य सरकार के अंदर अधिकांश वो लोग हैं जिनको की काम नहीं करना है, जिनको खैर ये एक आगे की इश्यू है। मैं तो फिलहाल इस पर इतने कहूंगा कि राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने जो नौकरी 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, मैं इसलिए इसको सीरियस मानता हूँ
क्योंकि योगी मोदी सरकार जो कहती है वो कर रही है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर ये नौकरियां मिलेगी तो निश्चित रूप से, परंतु पूरा देश नौकरी करने के लिए आ जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे बैठकर बात कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं या अन्यथा ये अन्यथा लिया जाएगा। आपका ज्ञान अधूरा है, पता नहीं आप कह देते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है वो काम नहीं करना चाहते, राष्ट्रीय लोकतंत्र से लेकर के आप आते हैं, सरकारी काम नहीं कर रहा होता है, रेलवे में आप रेलवे में जाते हैं तो आपको सरकारी कर्मचारी ऑब्जेक्ट करना हमारा धर्म है, चरित्र सामने आना चाहिए। ठीक है, प्लीज समय कम है, ठीक है ठीक है, उत्तर प्रदेश में 18 लाख कर्मचारी हैं, उनसे ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू, आप सभी मेंबर, ठीक है, थैंक यू, समय बहुत कम है। हाँ जी अनिल जी जल्दी पूरा कीजिए। हाँ, बीजेपी जो कहती है वो करती है, ठीक है ठीक। मैंने कहा था कि 100 दिन के अंदर 10,000 नौकरियां हम देंगे और अभी 80 दिन हुए हैं, हमने 10,000 के आंकड़ा को पार कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश और देश में युवाओं के लिए एक नई जो राह है वो खुली है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के सामने काफ़ी संकट था, काफ़ी नाराजगी भी थी सरकार से उन्हें, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि 18 महीने में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, सेना में भी रोजगार के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और 4 साल युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये फैसला जो है वो सरकार का अहम है, क्योंकि युवा जो है वो एक लंबे समय से रोजगार की तलाश में था, वो भी सरकारी नौकरी के। लेकिन इस फैसले को क्रियान्वित करते करते जमीन पे लाते लाते कितने युवाओं का भला होगा और कितना समय लगेगा, जो समय सीमा बांधी गई है क्या उतने समय में ये भर्तियां पूरी होंगी और बिना किसी रोक रुकावट के ये भर्तियां पूरी होंगी, ये देखना अहम है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।